बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ड्स मार्स। आज हम फिफ्थ वीक ऑफ सितंबर के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जो कि 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक जो भी हमने अपने करंट अफेयर्स पढ़े उसमें से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं हम उनकी बात करेंगे, उनको हम रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच कंट्री प्लेयर लिंडा फ्रवरितुवा हैज वोन द चेन्नई ओपन 2022। कौन से कंट्री की जो प्लेयर लिंडा है उन्होंने चेन्नई ओपन 2022 विन किया है? जी, ये चीज रिपब्लिक की ये प्लेयर है, इन्होंने चेन्नई ओपन 2022 को विन किया है। क्वेश्चन नंबर 2, विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर ऑडियो बींग सोल 18 बिटकॉइन ऑन डैश वेब बाय हैकर्स। तो हम इसका नेम नहीं ले सकते कुछ यूट्यूब की कम्युनिटी की गाइडलाइंस की वजह से, तो आपको पता चल गया होगा जो हैकर्स जो हैं वो इसी के थ्रू करते हैं लीक। तो ये कौन से कंट्री में ये वाक्य पेश आया है? जी, ये पाकिस्तान में ये वाक्य पेश आया है। क्वेश्चन नंबर 3, बिलावल भुट्टो मेट विच कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर समिया हसन शोकरे सैलिम। तो ये किस कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर है जिनसे बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई है? जी, ये इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनसे इनकी मुलाकात हुई है न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 4, विच इंडियन वुमेन क्रिकेटर अनाउंस हर रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। कौन सी इंडियन वुमेन क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया है इंटरनेशनल क्रिकेट से? जी, ये झलन गोस्वामी इनका नेम है, और हमने इसके बारे में बात की थी कि इन्हें चक द एक्सप्रेस भी कहा जाता है, और इनके ऊपर अब मूवी भी बन रही है, और सबसे ज़्यादा इन्होंने विकेट्स भी हासिल की हैं वुमेन्स क्रिकेट्स में, इंडिया की वुमेन क्रिकेट्स के हवाले से देखा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉन फिफ्थ एडिशन लेवर कप 2022 प्लेड 22-25 सितंबर। किसने जो लेवर कप 2022 का फिफ्थ एडिशन जो विन किया है? जी, ये आंसर इसका आंसर है कि टीम वर्ड जो है इसने फर्स्ट टाइम इसको कप को इन्होंने विन किया है। और आपको बताते जाएं, इसमें दो ही टीम होती हैं, एक यूरोप की टीम होती है और एक टीम वर्ल्ड होती है, तो ये पहली बार जो है वो टीम वर्ल्ड ने इसको विन किया है। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर G4 जापान ब्राजील जर्मनी एंड इंडिया मीटिंग हेल्ड बाय यूनाइटेड नेशन। G4 की मीटिंग कहां पर मुनक्किद हुई थी? जी, ये न्यूयॉर्क में ये मुनक्किद हुई, और 22 सितंबर को ये हुई मीटिंग। क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉन थर्ड माउंट एवरेस्ट टैक्वांडो इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2022 हेल्ड इन नेपाल। किसने जो थर्ड माउंट एवरेस्ट टैक्वांडो इंटरनेशनल चैंपियनशिप जो है वो 2022 को वो जीती नेपाल में जो हो रही थी? जी, ये शाहजेब खान जो जिन्होंने गोल्ड हासिल किया, ये पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, इन्होंने थर्ड माउंट एवरेस्ट टैक्वांडो इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2022 को विन किया। क्वेश्चन नंबर 8, विच सऊदी किंग हैज अपॉइंटेड क्राउन प्रिंस एंड हु हैज बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया। जी, ये भी हमने अपने बात की थी कि कौन से सऊदी क्राउन बने हैं और कौन प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर फाइज हुए हैं। जी, ये किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज जो है, किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज जो है, ये क्राउन बन गए हैं सऊदीया के, और जो मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो सऊदी अरेबिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज बिकम फिनांस मिनिस्टर आफ्टर मिफ्ता इस्माइल। पाकिस्तान के कौन से फिनांस मिनिस्टर हैं, इससे पहले मिफ्ता इस्माइल होते थे, तो अब कौन से हैं? जी, ये इसहाक डार हैं जो कि पाकिस्तान से ये चले गए थे, और मोस्ट 5 साल पहले तो मतलब कह सकते हैं उन्होंने अपने आप को जिला वतन कर लिया था, उसके बाद ये अब दोबारा वापस आए हैं, तो अब ये फिनांस मिनिस्टर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जॉर्जिया मेलोनी बिकम्स फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। जॉर्जिया मेलोनी जो के फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है, ये किस कंट्री की वुमेन बनी है? तो हमने ये अपने एमसीक्यू में पढ़ा था, आपको पता होना चाहिए, आप इसका आंसर बताइए। लेकिन हम इसकी बात करते हैं, जी, इनका ताल्लुक इटली से है, ये इटली की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वुमेन बनी है। क्वेश्चन नंबर 11, हु हैज बिकम इंडियन न्यू चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ आफ्टर बिपिन रावत। जी,
बिपिन रावत के बारे में आपको पता है कि उनकी वफात हुई थी, इनकी एक जो हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हुई थी। तो अब जो न्यू चीफ ऑफ डिफेंस बने हैं वो कौन बने हैं? जी, अनिल चौहान जो है ये न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हु हैज बिकम यंगेस्ट प्लेयर टू स्क्योर सेंचुरी इन ओडीआई सेंचुरी। जी, कौन सी प्लेयर जो है, कौन से प्लेयर हैं जो कि यंगेस्ट बन चुके हैं सेंचुरी करने में ओडीआई में? जी, एमी हंटर, ये वुमेन है जो कि आयरलैंड से इनका ताल्लुक है और आयरलैंड की टीम से ये खेलती हैं, तो ये यंगेस्ट प्लेयर बन गई हैं जिन्होंने स्कोर की सेंचुरी ओडीआई में। क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज बिकम फर्स्ट पाकिस्तान बॉक्सर टू विन वर्ल्ड यूथ टाइटल। कौन से पाकिस्तानी फर्स्ट बॉक्सर हैं जिन्होंने वर्ल्ड यूथ टाइटल का पहली बार उन्होंने कप जीता है? जी, उस्मान वजीर जो हैं, इन्होंने पहली पहली बार इस टाइटल को अपने नाम किया। क्वेश्चन नंबर 14, हु हैज बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी एंड द फिफ्थ प्लेयर इन द वर्ल्ड टू कंप्लीट 3000 रन इन इंटरनेशनल क्रिकेट T20 रन। तो ये कौन से पाकिस्तानी फिफ्थ प्लेयर बन चुके हैं और सॉरी इंटरनेशनल में फिफ्थ प्लेयर हैं और पाकिस्तानी फर्स्ट प्लेयर हैं जिन्होंने 3000 रन T20 में मुकम्मल किए? जी, ये बाबर आजम है, इन्होंने 81 मैचेस में 3000 रन पूरे किए हैं। इससे पहले विराट कोहली जो हैं उन्होंने भी 81 मैचेस में 3000 रन कंप्लीट किए थे। क्वेश्चन नंबर 15, विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट फॉर 2022। कौन से एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट मतलब के बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया? जी, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर में वाकया है, दोहा में इसको बेस्ट अवार्ड दिया गया। क्वेश्चन नंबर, अब हम बात करेंगे फेमस पर्सनैलिटीज हु डाइड एंड बॉर्न। जी, विच यूके ऑथर डाइड एट एज 70 विच हैड वॉन बुक ऑफ विनिंग ऑथर। कौन से ऑथर यूके का ऑथर जो कि उनकी वफात हो गई है और उन्होंने जीता था, बुकर वॉर्निंग ऑथर भी जीता हुआ था? जी, ये हेलरी मेंटल इनका नेम है, इनकी डेथ हो गई है। क्वेश्चन नंबर 2, विच रिनॉन रिलीजियस प्रीचर एंड प्रोमिनेंट रिलीजियस स्कॉलर पास अवे एट द एज ऑफ 96 आफ्टर इलनेस। जी, ये कौन से प्रीचर और प्रोमिनेंट रिलीजियस स्कॉलर थे जिनकी वफात हुई है? जी, इनका नाम इलामा यूसुफ अल करदावी है जिनकी वफात हो गई है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑस्कर विनिंग प्लेयर पास अवे एट द एज ऑफ 88। जी, इनका नेम लुईस फ्लेचर है जो कि ऑस्कर विनिंग है और इनकी डेथ हो गई है। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल डेज एंड डेट्स की। व्हेन वर्ल्ड रिवर्स डे ऑब्जर्व इन एवरी ईयर। रिवर डे जो है ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, हम डेट देखते हैं। जी, ये 25 सितंबर को इसको ऑब्जर्व किया गया, लेकिन ये हर साल फोर्थ संडे जो होता है सितंबर का उसको उस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, वन वर्ल्ड फार्मास्यूटिक डे ऑब्जर्व इन एवरी ईयर। जी, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है फार्मास्यूटिक डे? जी, ये भी संडे 25 सितंबर को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, वन इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ऑब्जर्व इन एवरी ईयर। कब इंटरनेशनल डे ऑफ टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन ऑब्जर्व जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है? जी, ये 26 सितंबर को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, वन वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑब्जर्व इन एवरी ईयर। टूरिज्म ऑब्जर्व जो डे है टूरिज्म के हवाले से अवेयरनेस के लिए कब दिन मनाया जाता है? जी, ये 27 सितंबर को इस दिन को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, वन वर्ल्ड रेबीज डे ऑब्जर्व इन एवरी ईयर। वर्ल्ड रेबीज डे जो है ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? जी, ये 28 सितंबर को इसको ऑब्जर्व किया जाता है और इसका 16th एडिशन है और इसका जो थीम है वन हेल्थ जीरो डेथ। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन वर्ल्ड हर्ट डे ऑब्जर्व इन एवरी ईयर। कब हर्ट डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? जी, 29 सितंबर को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन इंटरनेशनल डे ऑफ ऑर्डर्स ऑब्जर्व इन एवरी ईयर। तो कब इंटरनेशनल डे ऑफ ऑर्डर्स है, सॉरी ऑर्डर्स लिख दिया, ऑर्डर्स डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? तो ये 1 अक्टूबर को इस दिन को मनाया जाता है और इसका जो थीम था वो था
द साइलेंस ऑफ ऑल्डर पर्सन ऑफ इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। थैंक यू। ये हमने रिवीजन की अपनी दोबारा से, जो हमने करंट अफेयर्स पढ़े थे अपने 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक, और इसमें हमने जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज उनको कवर किया है। तो इसी तरह हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। खुदा हाफिज़।